सातवां महीना एक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। क्या करना है, कौन से टिप्स हैं, अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किए हैं तो इसके बाद अप्लाई कर लेने चाहिए, वो सब आज की इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सातवां महीना शुरू हो गया है या सातवां महीना ख़त्म होने वाला है और बेबी बम का साइज़ भी बहुत बढ़ गया है। अब तक आपने फॉलोअप लिया होगा, अगर उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कम है या फिर बच्चे का या फिर आपका या फिर दोनों का, और सब चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं तो आप अच्छे से होमवर्क कर सकते हैं ताकि अगले 3 महीनों तक आपका और आपके बेबी का वेट गेन हो सके और आप अच्छे नतीजों को देख सकें, सब कुछ अच्छे से करेक्ट कर सकें। बिफ़ोर डिलीवरी सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि बच्चे का वेट गेन होगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी और ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी इन 3 महीनों में। तो आपको कैल्शियम अच्छे से खाना है, डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे से लेने हैं और विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवाना है। अगर आपके हाथ पैरों में सूजन है या थकान रहती है, हर वक्त आप लो फील करते हो, तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो इसका टेस्ट ज़रूरी करवाना चाहिए। इसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है तो आप वॉलनट ज़रूर लें और पानी की मात्रा ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लें और विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा, खट्टे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। इस महीने के बाद आपको अपनी इम्यूनिटी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ती हैं तो आपके न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसके कारण आपके बच्चे के विकास पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ सकता है। और आप अपनी इम्यूनिटी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें और न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में लें, खट्टे फल, अमरूद, सेब, वॉलनट और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लें ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे। अगर आप पैदल चलती हैं तो आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है तो आप पैदल नहीं चल सकती, या आपको पैदल नहीं चलना चाहिए, नहीं, वॉकिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपको थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहना चाहिए और एक छोटी बॉटल पानी की अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए हमेशा। जंक फूड और हैवी मसालेदार खाना डिनर में ना खाएँ और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें पूरी तरह से। अपनी क्रेविंग्स को संतुष्ट करने के लिए आप मीठा खा सकती हैं या फिर हेल्दी फूड्स आप जिसे हमेशा आपको तैयार रखना चाहिए वो खा सकती हैं। बच्चे की अच्छी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और बच्चे के साथ अच्छी ट्यून अप होने के लिए माँ को बच्चे के साथ अच्छे से बात शुरू कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका आपके बच्चे के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में उसकी हेल्प होगी और आप स्ट्रेस से बचे रहेंगे। बच्चे के साथ बात करना गर्भ संस्कार का भी एक पार्ट है तो इसे आप ज़रूर फॉलो करें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आने वाले कुछ ही महीनों में इसकी मदद से आप अपनी प्रेगनेंसी को और भी बेहतरीन बना लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।